हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय का क्लास 8 का मैथ्स का एनुअल एग्जाम का सिलेबस और ब्लूप्रिंट, जिससे आपको पता लगेगा कि कौन कौन से चैप्टर आपके इस एनुअल एग्जाम में आने वाले हैं और इनकी वेटेज क्या है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ही है ये, कि जो आपने हाफ ईयरली एग्जाम तक यानी टर्म वन एग्जाम तक जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया था, उसका अभी 30% अभी भी इस एनुअल एग्जाम के अंदर कवर होने वाला है, जिसके अंदर आपने जो चैप्टर पढ़ा था रैशनल नंबर्स, इसकी वेटेज अभी भी 5 मार्क्स की आपकी होने वाली है। यानी ये चैप्टर आपका रिपीट हो रहा है एनुअल एग्जाम के अंदर। इसके अलावा आपका जो चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये चैप्टर भी आपका इस एनुअल एग्जाम के अंदर कवर हो रहा है और इसकी वेटेज यहाँ पे 7 मार्क्स की है। इसके अलावा एक और चैप्टर है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, यानी क्वाड्रिलेटरल वाला जो चैप्टर है, इसकी भी वेटेज यहाँ 6 मार्क्स की आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 30% पोर्शन जो है अभी भी आपका टर्म वन का सिलेबस यानी आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर जो आया था वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसके बाद जब आपने हाफ ईयरली एग्जाम के बाद जो आपके चैप्टर्स हुए थे, जैसे एक चैप्टर था अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, ये आपका ये टर्म सेकंड के अंदर कवर हो रहा है और इसकी वेटेज यहाँ पे 8 मार्क्स की है। इसके बाद मेंसुरेशन जो चैप्टर है, इसकी वेटेज आपके इस एनुअल एग्जाम के अंदर 9 मार्क्स की है। उसके अलावा एक्सपोनेंट एंड पावर, ये जो चैप्टर है, इसकी वेटेज यहाँ आपको 6 मार्क्स की देखने को मिल जाएगी। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर कि डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, ये वाला चैप्टर आपका, इसकी वेटेज यहाँ आपको 7 मार्क्स की देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है, इसकी वेटेज यहाँ पे आपको 5 मार्क्स देखने को मिल जाएगी। और लास्ट में एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, इसकी वेटेज आपको यहाँ 7 मार्क्स की देखने को मिलेगी। तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो मेंसुरेशन चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है और इसकी वेटेज आपको 9 मार्क्स की देखने को मिल रही है। टर्म वन के अंदर जो सिलेबस था उसके अंदर से भी 3 चैप्टर यहाँ कवर हो रहे हैं और टर्म टू के अंदर यानी जो हाफ ईयरली की बात जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसकी भी वेटेज आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आप एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिए। चैनल फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा जहां मैंने एनुअल एग्जाम जो प्रीवियस ईयर हुए थे उसके एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।